रही है। गीता की संस्कृत तो सरल है पर भाव बड़े गहरे हैं। शरणागति गीता का सार है। शरणागति बड़ा सुगम और ऊंचा साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वे हमारे द्वारा ऐसा सुनना चाहते हैं। भगवान प्रेम से दिए पत्र पुष्प को भी खा लेते हैं। विदुरानी जी ने केले के छिलके दिए तो उनको भी भगवान खा गए। भक्त को पता नहीं कि मैं क्या दे रहा हूं, पर भगवान को पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। शरणागति नींद की तरह सुगम है। जैसे नींद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शरणागत होने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एक विशेष बात है कि वास्तव में भगवान ने सबको अपना स्वीकार कर रखा है, अपनी शरण में ले रखा है। हम संसार में लग जाते हैं, यह गलती करते हैं, झूठ कपट आदि के शरण हो जाते हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा ऐसा सोचते हैं। अतः पाप का आश्रय मत रखो, सब काम भगवान के शरण होकर ही करो। भगवान पापी से पापी व्यक्ति के लिए भी यह नहीं कह सकते कि यह मेरा नहीं है। भगवान ने सबको अपना मान रखा है। भगवान को अभिमान छल कपट नहीं भाता, चालाकी नहीं भाती। निर्मल सीधे सरल भक्त भगवान को प्यारे लगते हैं। काम क्रोध आदि से भी अधिक दोषी हैं जानबूझकर कपट चालाकी छल करना। किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, नाम जप करना और भगवान के शरण होना, ये चार व्रत आप धारण कर लें। जब भी आफत आए तब हे नाथ ऐसा पुकारें, हे नाथ मैं आपका हूं। इससे काम क्रोध आदि भी सुगमता से दूर हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी शरण होना, अपनी अहमता बदलना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं और गीता उनका मंत्र है। और किसी को गुरु मत बनाओ, पाप का असली प्रायश्चित है। मैं अब पुनः पाप नहीं करूंगा, बस भगवान के शरणागत हो जाओ, उनकी शरणागति में चले जाओ, तभी मुक्ति संभव है, तभी सब दुखों का नाश संभव है। यह अंग यही पूर्णता को प्राप्त होता है, शेष अगले अंग में। सत्संग का 19वां भाग प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, समय बड़ा विकट है, हर एक क्षेत्र में पाखंड